नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पर। आज की वीडियो में दोस्तों जो मैच मैं कवर करूंगा वो मैच है दोस्तों आसाम T20 का छठा मुकाबला जो खेला जाने वाला है टीम बार्क ब्रेव हार्ट्स वर्सेस दिंग पतकाई राइडर्स के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों टीम्स ने लास्ट मैच में कैसा परफॉर्म किया था और इनके टीम के किस प्लेयर को आप लोग अपनी टीम में एज अ कैप्टन पिक करके चल सकते हैं, किस प्लेयर को आप लोग रैंकिंग में टारगेट करके चल सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ इस मैच की जो भी होने वाली हैं वो आपको वीडियो के अंदर पता चलेंगी। और आप लोग यहाँ पर अगर अपना एक रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हो और आप लोग विन करना चाहते हो तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी दोस्तों फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर अभी के समय 4300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वहाँ पर मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पे पहुँच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो एक काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक वीडियो को भी कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा। बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रीव्यू की। तो अगर बात की जाए ब्रेव हार्ट्स की, तो ये अपना पहला मुकाबला खेलेंगे दिहिंग राइडर्स के अगेंस्ट। बराक ब्रेव हार्ट्स जो है वो करेंटली अभी टूर्नामेंट में सेकेंड पोजीशन पर हैं, जबकि जो यहाँ पर राइडर्स हैं वो करेंटली अभी फोर्थ पोजीशन पर हैं। ब्रेव हार्ट्स ने इस सीज़न अपने दो मुकाबले खेले हैं जहाँ पर वो अपना एक मुकाबला जीत चुके हैं, जबकि यहाँ पे राइडर्स ने अपना एक मुकाबला खेला जहाँ पर वो अपना एक मुकाबला हार कर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेव हार्ट्स की टीम स्ट्रांग रहेगी राइडर्स के अगेंस्ट में। वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो वेदर का अगर बताऊँ मैं आपको, तो 40% चांसेस है मैच के दौरान बारिश आने के, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम करके चलना है, क्योंकि ये डोमेस्टिक मैच है और यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कुछ भी कन्फर्म नहीं होता है बैटिंग और बॉलिंग का। विकेट की मैं बात करूं तो दोस्तों ये वेन्यू जो है वो न्यूट्रल रहेगा, जहां पर बैट्समैन बॉलर्स दोनों को मदद मिलेगी। इनके अलावा स्पिनर्स यहां पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर दोस्तों मात्र 129 रनों का रहने वाला है। जो भी टीम चेस करती है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार है, यहाँ पर 100% चांसेस रहते हैं जो भी टीम विन करेगी वो मैच विन कर जाएगी। तो सबसे पहले मैं ब्रेव हार्ट्स की प्लेइंग 11 और उनके स्टैट्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो इनकी ओर से अरजीत ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 10 रन बनाए हैं। ध्रुव ज्योति दास ने इस टूर्नामेंट में बॉलिंग की है पर विकेट नहीं मिले हैं। निविर देका ने 6 रन बनाए हैं। रोशन आलम ने इस टूर्नामेंट में 1 विकेट निकाला है। नीरज यादव को बैटिंग नहीं मिली है। रजन ज्योति को भी यहाँ पर बैटिंग नहीं मिली है। ईशान अहमद को भी बैटिंग नहीं मिली है। आयुष अग्रवाल का भी यहाँ पर अभी तक रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। रजाकुद्दीन अहमद की मैं बात करूँ तो 18 रन, 2 विकेट इनके नाम है। निपन देका की मैं बात करूँ तो 2 विकेट इनके भी नाम है। आकाश सेन गुप्ता की बात की जाए तो 5 रन इनके नाम है और बॉलिंग किए पर इनको विकेट नहीं मिले हैं। ब्रैक ब्रेव हार्ट्स को लास्ट मैच में 42 रन बनाने थे 5 ओवर के अंदर और इनके बैट्समैन ने इस टोटल को चेस भी कर लिया था। इस मुकाबले में रजाकुद्दीन अहमद टॉप स्कोरर थे, इन्होंने 14 गेंदों पर 18 रन बनाए थे। परवेज अजीज ने 10 रन बनाए थे 7 गेंदों पर। रजाकुद्दीन अहमद ने और निपन देका ने अपनी टीम के लिए 2-2 विकेट्स निकाले थे। बात की जाए यहाँ पे राइडर्स की, तो उनकी ओर से आपको देनिश अहमद खेलते हुए नजर आएंगे, जिनके नाम 1267 रन है, 10 विकेट हैं। रुहियांदन पेगू के नाम दोस्तों 549 रन है। मिराज के नाम दोस्तों 33 रन है। रवि छेत्री के नाम दोस्तों 140 रन, 42 विकेट हैं। राहुल हजारिका के नाम दोस्तों 1612 रन है। रजत खान के नाम दोस्तों 173 रन और 2 विकेट हैं। ऋतुराज विश्वास के नाम दोस्तों 609 रन, 76 विकेट हैं। अरूप दास के नाम दोस्तों 297 रन, 53 विकेट हैं। शिव शंकर के नाम दोस्तों 996 रन, 13 विकेट हैं। हरीप देका के नाम दोस्तों 23 विकेट हैं और दीपाकर जौहरी के नाम दोस्तों 174 रन, 14 विकेट हैं। इनकी टीम के लिए रुहियांदन पेगू आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। राहुल इनकी टीम के लिए बैटिंग की भूमिका निभाएंगे। शिव शंकर रॉय, देनिश अहमद आपके लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं और हरदीप देका इस टीम के मेन बॉलर रहने वाले हैं। बात की जाए दोस्तों टॉपिक्स की, तो पहला नाम निकल के आएगा यहाँ पर रजाकुद्दीन अहमद का। राइट एंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कराता है। टूर्नामेंट में 18 रन, 2 विकेट इनके नाम है। निपन देका की मैं बात करूँ, राइट एंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं। ब्रैक
ब्रेव हार्ट्स के लिए टूर्नामेंट में दो विकेट इनके नाम भी हैं। रोशन आलम की बात की जाए, लेफ्ट एंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कराता है, टूर्नामेंट में एक विकेट इसके नाम भी है। अरूप दास की मैं बात करूँ, राइट एंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं पतकाई राइडर्स के लिए। बात की जाए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के, तो कैप्टन आप लोग रजाकुद्दीन अहमद और ईशान अहमद को बना सकते हो, वाइस कैप्टन निपन देका और रोशन आलम को आप लोग रख सकते हो। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, क्योंकि आपको लाइक करने में एक सेकंड से भी कम समय लगेगा, पर आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर अभी के समय 4300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंक कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए आपको कमाल की टीम्स क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो बात करूं दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो आपके सामने यार पेगू की पिक है, ए ठाकुरी की पिक है और यहाँ पर ए अग्रवाल की पिक है। तो यहाँ पर मैं बात करूं, ए अग्रवाल आपके लिए काफ़ी अच्छे विकेट कीपिंग ऑप्शन में अवेलेबल होने वाले हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी अच्छी बैटिंग करके दे सकते हैं, उसके अलावा काफ़ी अच्छे विकेट कीपर भी हैं, आपको विकेट कीपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कुछ यहाँ पर अलग करना चाहें, कुछ डिफरेंट करना चाहें, तो यार पेगू को आप लोग जरूर ट्राई करना है ऐसा डिफरेंशियल ग्रांड लीग में। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर पी अजीज़ को पिक करेंगे, उनके अलावा यहाँ पर दानिश अहमद का स्टार्ट मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी कमाल का प्लेयर है, पिक करके चलिए। इनके अलावा हजारिका को मैं ट्राई करूँगा, आई अहमद को अगर आप पिक करना चाहें कर सकते हैं, और नीचे से और कोई अगर बैट्समैन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर मैं दोस्तों ये तीन मेन बैट्समैन लेने वाला हूँ, इन्हीं के साथ में जाने वाला हूँ। अलाउंडर सेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों आपके लिए पहले आर अहमद की इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, इन देका की रहेगी, इनके अलावा आपके सामने एदास की पिक रहेगी जो कि इंपॉर्टेंट है, पिक करके चलिए। बाकी आप लोग यहाँ पर एस एन गुप्ता को पिक करना चाहें इनको भी पिक कर सकते हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूँ एस रॉय की, तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं, इनका भी जो स्टैट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था, तो आप चाहें इनको भी पिक कर सकते हैं। स्टैट जो है वो शिव शंकर रॉय का 996 रन है और 13 विकेट हैं, तो इसी कारण से मैं इनको भी पिक। बात कर ली जाए दोस्तों बॉलिंग की, तो आर आलम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आर विश्वास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट पिक आपके सामने ए शर्मा है, आर छेत्री हैं। ऊपर देखा जाए तो हमार खोतनार को तो पिक नहीं कर पाएंगे, इनका स्टेट मुझे उतना कुछ खास भी नहीं लगा था। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये शर्मा की पिक है और आज छेत्री की पिक है, और उसके अलावा एन यादव के यहाँ पर पिक रहने वाली है, तो इनमें से मैं अभी के लिए ए शर्मा को अपनी टीम में पिक कर लूँगा। तो दोस्तों देखा जाए अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ, तो दोस्तों मैंने अपनी इस टीम में 5 प्लेयर रखे हुए हैं ब्रेव हार्ट्स के और 6 प्लेयर्स रखे हुए हैं मैंने राइडर्स के। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो मैंने 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स के फेवर में ये टीम क्रिएट की है। अगर बात की जाए मैं किस प्ले को कैप्टेंसी और किस प्ले को वाइस कैप्टेंसी प्रोवाइड कराऊंगा, तो कैप्टेंसी के जो बेस्ट दावेदार हैं वो रजाकुद्दीन अहमद है। वाइस कैप्टन आप चाहें तो यहाँ पर एस रॉय को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ जाना चाहें तो इन देका को वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। मैं दोस्तों अपनी इस टीम को सेव कर देता हूँ, आप लोग हमारी टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लीजिए, और जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो इस टीम को जाकर सेव कर ले सकते हो। इसी टीम के साथ दोस्तों मैं हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँगा, और इसी टीम के साथ दोस्तों मैं ग्रांड लीग के कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करूँगा। बाकी दोस्तों मेरी टीम में अगर कोई भी प्लेयर नहीं खेलेगा, तो जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी के समय हमारे टेलीग्राम चैनल पे 5000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जो सबसे नंबर पर जो टॉप पर कमेंट होगा, जो कमेंट पिन किया गया होगा वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाओगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो जरूर ये काम कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।